सो हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ एकदम मजे में चल रहा है अपना, ठीक है ना? मजे में चल रहा है अपना बैच, मजे में चल रहा है एकदम अपना। जो प्रिपरेशन है वो फुल फ्लैजेड, फुल स्विंग में स्टार्ट हो गया। तो आज जो अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द चैप्टर ऑफ ग्रुप कंपनीज। ओल्ड सिलेबस के अंदर इस चैप्टर का नाम हुआ करता था ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और अब इस चैप्टर का नाम हो गया है ग्रुप कंपनीज, ठीक है? तो पहले ना अपन छोटे छोटे चैप्टर्स लेंगे थोड़ा सा ऑडिट के अंदर, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज करेंगे। इंस्टेड ऑफ टेकिंग वेरी बल्की टॉपिक्स, इंस्टेड ऑफ टेकिंग वेरी बिग टॉपिक्स इन द इनिशियल स्टेज, कुछ टॉपिक्स अपन क्या करेंगे सर, छोटे छोटे टॉपिक्स लेंगे जिनसे श्योर शॉट क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, और थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज करेंगे। अब नॉर्मली जो ये चैप्टर्स होते हैं ना सर, जैसे ग्रुप कंपनीज हो गया, ऑडिट ऑफ पीएसयूज हो गया, तो ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, और बच्चे जनरली क्या करते हैं सर, इन चैप्टर्स को इग्नोर करके जाते हैं और इनके आंसर्स अटेम्प्ट नहीं कर पाते एग्जाम हॉल में। जबकि ये छोटे चैप्टर्स है, इजी चैप्टर्स है, स्कोरिंग चैप्टर्स है, तो इन चैप्टर्स में अपने को अपना जो ग्रिप है ना वो एकदम स्ट्रांग बना के रखना है। मैं आपको एकदम बेस से लेके जाऊंगा। अपन क्लास में इस तरीके से करने वाले हैं ना कि मतलब जिंदगी भर के लिए वो जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फ्रीज हो जाएगा, आई कैन गारंटी यू। बट आपको क्या करना है सर, ईमानदारी के साथ अपने 2 घंटे मुझे देने हैं, सिर्फ 2 घंटे, ज्यादा समय नहीं चाहिए, सिर्फ 2 घंटे। 2 घंटा सफिशियंट है अपने लिए इस चैप्टर को कवर करने के लिए। तो आपका ईमानदारी से बस मुझे 2 घंटे का समय चाहिए, और ये चैप्टर अपन साथ साथ समझेंगे भी, ये चैप्टर अपन साथ साथ याद भी कर लेंगे, और वो आपके परमानेंट मेमोरी में भी चला जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और ये 2 घंटे के सेशन के बाद मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एक 15 मिनट का, मात्र 15 मिनट का रिविजनरी ऑडियो क्लिप, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो सर, इस चैप्टर को बार बार रिवाइज कर सकते हो। तो 2 घंटे में अपन क्लासेस में साथ में कवर कर लेंगे चैप्टर, अलोंग विद यू नो लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग प्लस लर्निंग। और उसके अलावा मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं एक 15 मिनट का रिविजनरी ऑडियो क्लिप, जिसके माध्यम से आप क्या करोगे, पूरा का पूरा चैप्टर बार बार आप क्या कर सकते हो सर, रिवाइज कर सकते हो। यू कैन रिवाइज इट एंड नंबर ऑफ टाइम्स, तो मतलब एग्जाम तक आप कभी भूलने वाले नहीं है कॉन्सेप्ट्स को। अब जिन बच्चों ने रजिस्टर साथ में नहीं रखा है, तो भाई प्लीज पहले एक रजिस्टर परचेज करो यार, रजिस्टर साथ में रखो, क्योंकि अपने को ना बहुत सारा नोटिंग करना है, बहुत सारा नोटिंग करना है। मैं आपको कितना ही हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूं कि लो बच्चा हैंड रिटन नोट्स ले लो, पूरा ऑडिट का सिलेबस हैंड रिटन नोट्स के फॉर्मेट में ले लूं, वो आपके इतना काम नहीं आएगा। जो आपके काम आएगा कि आपने क्लास में कितने नोट्स बनाए हैं, दैट इज व्हाट दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो अपन क्लासेस के अंदर बहुत सारे नोट्स तैयार करते हैं, क्लासेस के अंदर बहुत सारे नोट्स बनाते हैं, मैं आपसे बनवाता हूं, ठीक है? मैंने अपने नोट्स पहले से तैयार करके रखे हैं सर, ताकि हम लोग आपका टाइम सेव कर सकें। अब मेरा जो क्लासेस है यार, कंपैरेटिवली बहुत कम टाइम में होता है, बट कवरेज आपको उतना ही मिलने वाला है, आपको चीजें याद ज्यादा रहने वाली हैं क्लास में, इतना मेरा एश्योरेंस है। बट अपने को टाइम कम लगेगा, तो टाइम क्यों कम लगेगा सर, कुछ स्मार्ट टेक्निक्स है जो अपन ने यूज करा है क्लासेस के अंदर, दैट यू विल ग्रेजुअली अंडरस्टैंड व्हेन वी प्रोसीड टुवर्ड्स द जर्नी ऑफ आर ऑडिट, राइट? जैसे कि अपन अपने नोट्स पहले से बना के रख लेते हैं, तो उससे भी अपना बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है, कि मैं आपके साथ साइमल्टेनियसली नोट्स बनाऊं, आप वेट करोगे 15 मिनट तक, मैं अपने नोट्स बनाऊंगा, फिर आपको कॉपी करने बोलूंगा, तो यार वो आधा घंटा एक्स्ट्रा जा रहा है ना, मैंने वो आधा घंटा बचा लिया पहले से, वो आधा घंटा खुद से एक्स्ट्रा लगा के नोट्स बना के पहले से, कि वो टाइम जहां पे मैं खुद आपके सामने नोट्स बना रहा हूं वो अपना सेव हो जाए। आपको समझना है, और साथ साथ सर चीजें नोट डाउन करनी है। काफी सारी चीजें ऐसी होंगी सर, बेसिक होगा, आपको लगेगा सर आता है, मेरे को पता है, मैंने इंटर में स्टडी करा था, बट यार प्रॉब्लम ये है कि इंटर में स्टडी किया था तो यार अपना जो मेमोरी है ना, अपने को भूलने की बीमारी है, इंटर की चीजें हो सकता है अपने को याद ना हो। तो अपन एकदम बेस से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेस से स्क्रैच से चैप्टर को समझेंगे, पूरा चैप्टर को ओवरव्यू लेंगे, और आप देखोगे कि जब चैप्टर को ओवरव्यू खत्म हो जाएगा ना, आप बोलोगे 80% ऑफ द चैप्टर इज डन, उसके बाद अपने को कोई टेंशन लेने का बात ही नहीं है, ठीक है? और अपने को एक एक चीज नोट डाउन करना है सर, एक एक चीज नोट डाउन करना है, जो भी चीजें मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा नोट डाउन करना है। आपको नोटिंग करने में कहीं कंजूसी नहीं करनी है, अलग से एक रजिस्टर परचेज करना है, कुछ फ्लैग्स लेकर रखने हैं, क्योंकि काफी जगह मैं आपको बोलूंगा बेटा ये फ्लैग अपने बुक में लगा दो, ये फ्लैग अपने नोट्स में लगा दो, काफी जगह मैं आपको बोलूंगा बेटा साथ साथ नोट बना दो, काफी जगह मैं आपको बोलूंगा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, काफी जगह मैं आपको बोलूंगा प्रोविजन को हाईलाइट कर लो। तो वो सारी चीजें आपको मेरे साथ करनी है, अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए ऑडिट के अंदर, ठीक है ना? तो एकदम सिंपल चैप्टर है यार, एकदम सिंपल चैप्टर है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सर, चैप्टर का नाम क्या है सर, चैप्टर का नाम क्या है, ग्रुप ऑडिट्स, ग्रुप कंपनीज। तो ग्रुप कंपनीज होती क्या है सर, जब हम ग्रुप ऑडिट्स की बात कर रहे हैं सर, तो ग्रुप कंपनीज होती क्या है, नॉर्मली व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय ग्रुप कंपनीज। तो सबसे पहले तुम ये समझो यार, एकदम लॉजिकली सी चीज है, कि एक बिरादरी के जो कंपनीज होते हैं ना, एक कॉमन कंट्रोल होता है ना, तो उनको अपन ग्रुप कंपनीज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी हूं, मैं कंपनी हूं, मतलब तुम सोचो कि एक फैमिली स्ट्रक्चर समझो, एक फैमिली स्ट्रक्चर समझो कि भाई एक फैमिली के अंदर, रियल लाइफ में एक फैमिली के अंदर एक ग्रुप क्या होता है, एक फैमिली क्या होती है, मैं, मेरे माँ बाप,
मेरे सन डॉटर एंड मे बी माई ग्रैंड सन, यही फैमिली स्ट्रक्चर रहेगा। उसी तरीके से कंपनी के केस में भी अगर हम बात करूं, अगर मैं बात करूं कि भाई कंपनी के माँ बाप कौन है, उसकी होल्डिंग कंपनी, कंपनी के बच्चे कौन है, उसकी सब्सिडरी, कंपनी के भी पोता पोती कौन है, कंपनी के भी ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर कौन है, एसोसिएट्स, ठीक है ना, एसोसिएट कंपनीज, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। तो यार एक ग्रुप किससे बनता है, एक ग्रुप कैसे फॉर्म होता है, एक एसोसिएशन कैसे फॉर्म होता है, हाउ एन एसोसिएशन इज फॉर्म, ठीक है। तो अगर हम कंपनी के केस में बात करें सर, तो उसका जो होल्डिंग कंपनी होता है, उसका जो एक सब्सिडरी कंपनी होता है, उसका जो एसोसिएट कंपनी होता है, उसका जो जॉइंट वेंचर होता है, ये सब मिलाकर एक ग्रुप स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ऑल दिस फॉर्म ए ग्रुप स्ट्रक्चर, जिनको अपन बोलते हैं ग्रुप कंपनीज, ठीक है ना, जिसको अपन बोलते हैं ग्रुप कंपनीज, एकदम क्लियर है। अब देखना, आगे समझना सर, एक पेरेंट कंपनी होता है, एक कौन होता है, पेरेंट कंपनी होता है, मतलब माँ बाप, और फिर होते हैं उनके बच्चे। तो एक होता है माँ बाप, एक होता है उनके बच्चे, माँ बाप एंड उनके बच्चे, माँ बाप एंड उनके बच्चे। तो माँ बाप कौन होता है सर, माँ बाप पेरेंट कंपनी होता है, या माँ बाप होल्डिंग कंपनी होता है, और बच्चे कौन होते हैं सर, सब्सिडरी, है ना, बच्चे कौन होते हैं, सब्सिडरी, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर एसोसिएट्स, ठीक है। तो एक माँ बाप होता है, पेरेंट्स होता है, दैट इज द पेरेंट कंपनी, एंड उसके बच्चे होते हैं, जैसे कि सब्सिडरी हो गया, एसोसिएट्स हो गया। सब्सिडरी क्या होता है, एसोसिएट क्या होता है, जॉइंट वेंचर क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट्स भी अपन डील करेंगे अभी। तो अब लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि भाई जो पेरेंट कंपनी है ना, जो पेरेंट कंपनी है ना, उसके जितने भी बच्चे हैं ना, मतलब सब्सिडरी हो गया, एसोसिएट्स हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया, उसको अपन बुलाएंगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ द पेरेंट कंपनी। क्या बुलाएंगे सर, कॉम्पोनेंट्स ऑफ द पेरेंट कंपनी। और पेरेंट कंपनी को ना सिर्फ अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो प्रिपेयर करना ही रहेगा, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रिपेयर करना ही रहेगा, बट साथ ही साथ जो उसके बच्चे हैं, मतलब जो उसके बच्चे हैं, जो सब्सिडरी है, एसोसिएट्स है, उनका भी इंफॉर्मेशन यूज करना होगा, उनका भी इंफॉर्मेशन अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ कंसोलिडेट करना होगा। तो पेरेंट कंपनी को क्या करना होगा सर, जो सब्सिडरी है, जो एसोसिएट्स है, जो जॉइंट वेंचर है, यानी कि पेरेंट कंपनी के जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं, पेरेंट कंपनी के जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं, उनका जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको भी अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ इंटीग्रेट करना होगा, मर्ज करना होगा, कंसोलिडेट करना होगा, और एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा। क्या करना होगा सर, एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा। तो पेरेंट कंपनी को अगर हम लोग लॉजिकली बात करें, तो भाई जो पेरेंट कंपनी होगा ना, उसके ऊपर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, माँ बाप के ऊपर ना डबल जिम्मेदारी होती है, खुद का जिम्मेदारी तो होता ही है, खुद का देखभाल करने का तो जिम्मेदारी होता ही है, बच्चों का भी जिम्मेदारी होता है, ठीक है, बच्चों का भी जिम्मेदारी होता है एक पेरेंट कंपनी का, मतलब एक माँ बाप का। अगर हम लोग प्रॉपर्टी का बात करें, वसीयत का बात करें, तो उसका जो खुद का उनका जो प्रॉपर्टी होता है, वो तो होता ही है, जो बच्चों ने कमाया वो भी तो पेरेंट्स का ही हो गया, जो बच्चों ने कमाया वो भी तो पेरेंट्स का ही हो गया, है ना। तो पेरेंट कंपनी को अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाना ही है, अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाना ही है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें सर, तो क्या क्या चीजें आती हैं, बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं सर, बैलेंस शीट आता है, पी एंड एल आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, और क्या आता है सर, यस, नोट्स टू अकाउंट्स आता है, बिल्कुल सही बोले, एंड स्टेटमेंट टू चेंजेस इन इक्विटी आता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये पांच चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें आती हैं सर, बैलेंस शीट आता है, पी एंड एल आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, नोट्स टू अकाउंट्स आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आता है, ये पांच चीजें आती है। तो पेरेंट कंपनी को सर अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रिपेयर करना ही है, खुद का तो प्रिपेयर करना ही है, बट साथ ही साथ क्या करेगा पेरेंट कंपनी, उसके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, सब्सिडरी हो गया, एसोसिएट हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया, वो लोग भी अपने अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। अब उनके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी साथ में लेकर सारा इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट करके एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वो लोग प्रिपेयर करेंगे कि भाई फॉर एग्जांपल अपना टोटल एसेट कितना है, तो सारा सब्सिडरी एसोसिएट सबका एसेट्स मिला करके अपना एज ए ग्रुप, मतलब बोलते हैं ना भाई, एज ए इंडिविजुअल मेरी संपत्ति इतनी है, बट हमारा पूरा खानदान का ले लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सानिध्य सराफ, तो भाई मेरा इंडिविजुअल संपत्ति इतना है, बट पूरी सराफ फैमिली का संपत्ति इतना है। तो सिमिलरली पेरेंट कंपनी क्या बोलेगा, मान लो रिलायंस है, तो रिलायंस का बहुत सारा सब्सिडरीज रहेगा, रिलायंस का बहुत सारा एसोसिएट्स रहेगा, रिलायंस का बहुत सारा जॉइंट वेंचर्स रहेगा, यानी रिलायंस के बहुत सारे कंपोनेंट्स रहेंगे। तो रिलायंस अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रिपेयर करेगा ही करेगा, बट साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को, अपने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यह भी बताएगा कि एज ए ग्रुप हमारा टोटल संपत्ति कितना है, एज ए ग्रुप हमारी टोटल एसेट्स कितनी है, एज ए ग्रुप हमारी टोटल लायबिलिटीज कितनी है। तो अपने जितने भी सब्सिडरीज हैं, एसोसिएट्स हैं, ज्वाइंट वेंचर्स हैं, उनको उनके इंफॉर्मेशन को भी अपने इंफॉर्मेशन में शामिल करके, उनके इंफॉर्मेशन को भी अपने इंफॉर्मेशन में शामिल करके रिलायंस क्या करेगा सर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा।
तो सर अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगा, जी हाँ, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या प्रिपेयर करेगा सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो प्रिपेयर कर रहा है ना, बट क्या कर रहा है? कंसोलिडेट करके प्रिपेयर कर रहा है, एक साथ मर्ज करके प्रिपेयर कर रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं सर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी सर? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आ जाएगा, कंसोलिडेटेड P&L आ जाएगा, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाएगा, कंसोलिडेटेड नोट्स टू अकाउंट्स आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आ जाएगा, ठीक है ना? तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो है खाली कंसोलिडेटेड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है सर, बट खाली कंसोलिडेटेड है, ठीक है? अब मान लो, लेट अस से मान लो मुकेश अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी जी हैं, तो अल्टीमेटली अपने को क्या देखना सर, मुकेश अंबानी की संपत्ति खुद की कितनी है, और मुकेश अंबानी के जितने भी सन डॉटर हैं, जितने भी ग्रैंड सन डॉटर्स हैं, उन सबका मिला के भी संपत्ति कितना है, यानी एक पेरेंट कंपनी का संपत्ति कितना है, और उसका जो कंपोनेंट है सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर, टोटल मिलाकर भी क्यूमुलेटिव संपत्ति कितना है, ठीक है? अब कौन से बेटे की बात हो रही है, कौन से बेटे की बात हो रही है? विच सन आर वी टॉकिंग अबाउट? आर वी टॉकिंग अबाउट ओनली एन इंडियन सन, और ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट ए फिरंगी सन? कोई बेटा बाहर रहता है, विदेश में रहता है? अरे भैया, कोई बेटा विदेश में रहता हो क्या फर्क पड़ता है तो अपना ही खून है। बेटा विदेश में रहता हो तो क्या फर्क पड़ता है तो अपना ही खून। तो विदेशी बेटा को थोड़ी सा अपन डिसरिगार्ड कर देंगे कि नहीं भैया वो विदेश में रहता है, वो अपना नहीं है, अपन थोड़ी उसको डिसरिगार्ड कर देंगे, नहीं करेंगे ना? तो एक कंपनी की चाहे इंडियन सब्सिडरी हो चाहे फॉरेन सब्सिडरी हो, हर चीज कंसोलिडेशन में शामिल होगा। एक कंपनी की चाहे इंडियन सब्सिडरी हो चाहे फॉरेन सब्सिडरी हो सर, हर चीज कंसोलिडेशन में शामिल होगा, ठीक है? सन्स में भी ना अपन दो टाइप का डिवीजन कर सकते हैं सर, एक होता है न्यू बॉर्न सन और एक होता है ग्रोन अप सन, एक होता है न्यू बॉर्न और एक होता है ग्रोन अप। अब देखो तुम लॉजिकली समझो, जो नया नया यू नो जो नया बेटा पैदा होगा, जो न्यू बॉर्न है, जो भी बच्चा है, जो जस्ट अभी जन्मा है, तो यार उस पे ना अपना 100% कंट्रोल रहेगा, वो 100% माँ बाप की बात सुनेगा। लेकिन जो ग्रोन अप है उसमें माँ बाप का कंट्रोल तो रहेगा बट पूरा नहीं रहेगा, 50% 60% 70% सब्सटेंशियल रहेगा बट पूरा नहीं रहेगा, वो इंडिपेंडेंटली भी अपने डिसीजंस लेगा, ऐसा ही होगा ना? तो सब्सिडरी का सर दो हिस्सा होता है, या तो होता है होली ओन सब्सिडरी, क्या होता है सर, या तो होली ओन सब्सिडरी होता है या तो पार्शली ओन सब्सिडरी होता है। तो होली ओन सब्सिडरी मतलब पेरेंट कंपनी का 100% कंट्रोल है उस सब्सिडरी के ऊपर, पेरेंट कंपनी 100% वोटिंग राइट एक्सरसाइज करता है उस सब्सिडरी के ऊपर, और पार्शली ओन्ड मतलब 100% कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं करता है, मे बी 60% मे बी 70% मे बी 80% बट नॉट 100%, क्लियर है? तो अगर हम लोग सब्सिडरीज की बात करें सर, तो इट मे बी ए इंडियन सब्सिडरी, इट मे बी ए फॉरेन सब्सिडरी, है ना? इट मे बी ए पार्शली ओन्ड सब्सिडरी, इट मे बी ए होली ओन्ड सब्सिडरी। तो फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन एवरी सब्सिडरी इज टू बी इंक्लूडेड, फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन एवरी सब्सिडरी इज टू बी इंक्लूडेड, वेदर इट्स इंडियन सब्सिडरी और इट्स ए फॉरेन सब्सिडरी और इट्स ए पार्शली ओन्ड सब्सिडरी और इट्स ए होली ओन्ड सब्सिडरी, एवरी काइंड ऑफ सब्सिडरी इज टू बी इंक्लूडेड, ठीक है? तो क्या बोला सर मैंने? ये पैनवा काम काहे नहीं करता है? तो देखना सर, फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन, फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन, एवरी सब्सिडरी, हर एक सब्सिडरी चाहे वो इंडियन सब्सी हो या वो फॉरेन सब्सी हो या वो पार्शली ओन्ड सब्सी हो या वो होली ओन्ड सब्सी हो। होली ओन्ड सब्सी क्या हो गया सर? न्यू बॉर्न चाइल्ड। होली ओन्ड सब्सी क्या हो गया सर? न्यू बॉर्न चाइल्ड। 100% कंट्रोल रहेगा पेरेंट का। तो एवरी काइंड ऑफ सब्सिडरी इज टू बी इंक्लूडेड, एवरी काइंड ऑफ सब्सिडरी इज टू बी इंक्लूडेड, क्लियर है जी? तो एक बार ना खाली आप पॉइंट नंबर 1 और 2 नोट डाउन कर लो, एक बार खाली पॉइंट नंबर 1 और 2 नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मेनली अपना पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 1 तो खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए था, मेनली अपना पॉइंट नंबर 2 है। तो एक काम करो यार, सिर्फ पॉइंट नंबर 2 नोट डाउन कर लो, जस्ट नोट डाउन पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 बना लो अपने नोट्स में, नोट डाउन कर लो।
तो अब कहते हैं ना सर कि जो माँ बाप का रिश्ता होता है ना वो बहुत ही अनोखा होता है, बहुत ही प्यारा होता है, राइट? तो कंपनी लॉ के अंदर सिमिलरली माँ बाप की अगर हम लोग बात करें तो माँ बाप कौन है? होल्डिंग है। माँ बाप कौन है? होल्डिंग है। एंड सन डॉटर कौन है? सब्सिडरी है। तो होल्डिंग सबसे का जो रिलेशन होता है वो भी बहुत प्यारा होता है, वो भी बहुत स्पेशल होता है, उसके बहुत सारे इंप्लीकेशन होते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का कंसिडरेशन अपने को होल्डिंग सबसे के रिलेशन में लेना होता है, राइट? उसके अलावा कंसोलिडेशन के रिस्पेक्ट में अपने को होल्डिंग सबसे के केस में बात करनी होती है। तो होल्डिंग सबसे का डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर होल्डिंग कंपनी कौन है, सबसे कंपनी कौन है। तो वैसे तो आपने बचपन में अपने सीए इंटर के दिनों में होल्डिंग सबसे का डेफिनेशन समझा है, बट एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं, एक बार अपन दोबारा से देख लेते हैं कि सर होल्डिंग सबसे का क्या डेफिनेशन था और होल्डिंग सबसे का आपस में क्या रिश्ता है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें सर तो एक एसोसिएट कंपनी कौन होती है, तो होल्डिंग कंपनी देखना डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 46 ऑफ द कंपनीज एक्ट में, एंड सब्सिडरी कंपनी डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट में, ठीक है? अब अल्टीमेटली अपने को समझना है सिर्फ सबसे का डेफिनेशन, क्योंकि होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन में ज्यादा कुछ खास बोला नहीं है लॉ मेकर ने। होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन में ज्यादा कुछ खास बोला नहीं है लॉ मेकर ने, खाली इतना बोल के छोड़ दिया कि अगर दूसरी कंपनी मेरी सब्सिडरी है तो मैं उसका होल्डिंग हूं, अगर दूसरी कंपनी सब्सिडरी है तो मैं उसका होल्डिंग हूं। तो मेनली अपने को समझना है सबसे का डेफिनेशन क्या, सबसे के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, तो अपन देखने वाले हैं सबसे का डेफिनेशन। तो देखना सर सबसे के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, अपन एकदम लिटरल टर्म्स में एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं सीधा। मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, एक कंपनी है डीईएफ लिमिटेड। एक कंपनी है सर एबीसी लिमिटेड और दूसरी कंपनी है डीईएफ लिमिटेड। अब यहां पे एबीसी लिमिटेड, अगर यहां पे अगर एबीसी लिमिटेड एक्सरसाइज करती है या कंट्रोल करती है मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर, क्या करती है सर? एक्सरसाइज करती है या कंट्रोल करती है मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर। सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो अगर एबीसी लिमिटेड एक्सरसाइज करता है या कंट्रोल करता है मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर ऑफ डीईएफ लिमिटेड, तो बोला जाएगा कि जो डीईएफ लिमिटेड है वो ए लिमिटेड की सब्सिडरी है और एबीसी लिमिटेड जो है वो डीईएफ लिमिटेड का पैरेंट कंपनी है। तो अगर एबीसी लिमिटेड एक्सरसाइज करता है या होल्ड करता है, कंट्रोल करता है मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग राइट ऑफ डीईएफ लिमिटेड, तो बोला जाएगा कि जो डीईएफ लिमिटेड है वो एबीसी लिमिटेड की सब्सिडरी है और जो एबीसी लिमिटेड है वो डीईएफ लिमिटेड का पैरेंट है। अब यहां पे अगर ये कंट्रोल 50% से 100% पहुंच गया तो वो क्या हो जाएगा सर? होल्ली ओन्ड सब्सिडरी हो जाएगा, दैट विल बिकम ए होल्ली ओन्ड सब्सिडरी। और अभी फिलहाल अगर 100% से कम रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो पार्शली ओन्ड सब्सिडरी। अगर वो सब्सिडरी इंडिया में रहेगा तो वो इंडियन सब्सिडरी, अगर वो सब्सिडरी इंडिया के बाहर होगा, मान लो एक रिलायंस का जो सब्सिडरी है वो जापान में है, तो दैट बिकम्स ए फॉरेन सब्सिडरी, ठीक है? वो क्या हो जाएगा सर? फॉरेन सब्सिडरी। तो ये पहला कंडीशन हो गया सर, ये पहला क्राइटेरिया हो गया। बट डायरेक्ट कंट्रोल इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, डायरेक्ट कंट्रोल इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। देर इज ए पॉसिबिलिटी कि डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है एबीसी लिमिटेड का डीईएफ लिमिटेड में, बट एक डी फैक्टो कंट्रोल है। लॉ एक शब्द यूज करता है डी फैक्टो कंट्रोल। तो हो सकता है सर कि एबीसी लिमिटेड का डीईएफ लिमिटेड के अंदर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है बट एक इनडायरेक्ट कंट्रोल है, डी फैक्टो कंट्रोल है। मतलब देर इज ए पॉसिबिलिटी कि एबीसी लिमिटेड कंपनी एक भी शेयर होल्ड नहीं करता डीईएफ लिमिटेड में, बट स्टिल एबीसी लिमिटेड डीईएफ लिमिटेड का पैरेंट कंपनी है और डीईएफ लिमिटेड एबीसी लिमिटेड का सब्सिडरी कंपनी है। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कैसे होगा सर? अगर यहां पे एबीसी लिमिटेड कंट्रोल करता है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ डीईएफ लिमिटेड, अगर यहां पे एबीसी लिमिटेड जो है कंट्रोल करता है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ डीईएफ लिमिटेड, सो इवन इन दैट सिनेरियो एबीसी लिमिटेड शैल बिकम द पैरेंट कंपनी एंड डीईएफ लिमिटेड शैल बिकम इट सब्सिडरी। क्योंकि अल्टीमेटली अब लॉजिकली सोच के देखो यार कि अल्टीमेटली कंपनी को चलाता कौन है? कंपनी के डायरेक्टर्स चलाते हैं। कंपनी इज नॉट ए फिजिकल बॉडी, राइट? कंपनी इज नॉट ए फिजिकल बॉडी। कंपनी डज नॉट हैज ए ब्रेन ऑफ इट्स ओन, कंपनी डज नॉट हैज ए यू नो हार्ट ऑफ इट्स ओन। तो कंपनी खुद से कुछ नहीं करेगा, कंपनी का सिर्फ एक लीगल एग्जिस्टेंस है, कंपनी का एक रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। बट अल्टीमेटली इज द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हु गवर्न द कंपनी, हु मैनेज द कंपनी। सारे डिसीजन मेकिंग नॉर्मली उनके हाल में है, उनके हाथ में है, या तो सुओ मोटो या शेयर होल्डर्स के अप्रूवल लेने के बाद, बट सारा डिसीजन मेकिंग तो उनके हाथ में है। तो भाई अगर कंपनी का डायरेक्टर्स अपने मुट्ठी में हो, कंपनी का डायरेक्टर्स अपने कंट्रोल में हो, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अगर अपने इशारों में काम करते हो, तो की फर्क पड़ जाना है अगर अपन उस कंपनी का शेयर होल्ड ना भी करें। तुम सोच के देखो, मैं रिलायंस में एक भी शेयर होल्ड नहीं करता, बट सर रिलायंस के जितने भी मेजर ऑफ द डायरेक्टर्स हैं, मान लो मुकेश अंबानी हु होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ शेयर्स ऑफ रिलायंस, वो मेरे इशारों में काम करता है, वो मेरे बोले बोले इशारों में काम करता है, तो की फर्क पर जाना है कि मैं रिलायंस का एक भी शेयर होल्ड नहीं करता बट स्टिल आई एम गवर्निंग रिलायंस, स्टिल आई एम कंट्रोलिंग रिलायंस, है कि नहीं?
तो अगर यहां पे एबीसी लिमिटेड कंट्रोल करता है कॉम्पोजिशन ऑफ बी ओ डी लिमिटेड, तब भी क्या हो जाएगा सर, डीईएफ लिमिटेड एबीसी लिमिटेड की सब्सिडरी हो जाएगी और एबीसी लिमिटेड डीईएफ लिमिटेड का पैरेंट हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें सर कंट्रोलिंग कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि पावर टू अपॉइंट ऑब्लिक रिमूव मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, पावर टू अपॉइंट ऑब्लिक रिमूव मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर है? और अपने को फर्दर ये देखना पड़ता है कि सर वो एक न्यू बॉर्न चाइल्ड है या ग्रोन चाइल्ड है, इंडियन चाइल्ड है या विदेशी चाइल्ड है, मतलब होल्ली ओन सब्सिडरी या पार्शली ओन सब्सिडरी है, इंडियन ओन सब्सिडरी है या फॉरेन ओन सब्सिडरी है। समझ में आया जी? दिस इज द मेन होल्डिंग सब्सिडरी टेस्ट, दिस आर द मेन टू क्राइटेरियाज ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी टेस्ट, कि होल्डिंग सब्सिडी का डेफिनेशन में वो फॉल कर रहा है कि नहीं, पैरेंट सब्सिडी रिलेशन बन रहा है कि नहीं। तो ये मेन टेस्ट है, ये मेन क्राइटेरिया है, बट इसके मल्टीपल सिचुएशन सब निकल के आ सकते हैं, देखना ध्यान से। एक सिचुएशन और डिस्कस कर रहे हैं अपन, फिर आप नोट डाउन करोगे। मान लीजिए अब एबीसी लिमिटेड का एक सब्सिडरी है डीईएफ लिमिटेड, ठीक है जी, अपन ऊपर डिस्कस करा, इट मे बी बाय वर्च्यू ऑफ एनी ऑफ द कंडीशन। और डीईएफ लिमिटेड का भी एक सब्सिडरी है पीक्यूआर लिमिटेड, मतलब हो सकता है ना एबीसी लिमिटेड कंट्रोल कर रहा है कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी ऑफ डीईएफ लिमिटेड, या फिर 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रहा है डीईएफ लिमिटेड, एंड डीईएफ लिमिटेड भी क्या कर रहा है सर, एक पीक्यूआर लिमिटेड बोलकर है, और उस पीक्यूआर लिमिटेड में क्या कर रहा है सर, मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्ड कर रहा है या उसके बीओडी के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर रहा है, ये पॉसिबिलिटी है। अब इसके अंदर भी सर दो पॉसिबिलिटीज है, उसके अंदर भी सर दो पॉसिबिलिटीज है, या तो डीईएफ लिमिटेड अकेला ही 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रहा है पीक्यूआर लिमिटेड का, या तो पीक्यूआर लिमिटेड का बीओडी का कॉम्पोजिशन होल्ड कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है सर, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए एबीसी लिमिटेड पीक्यूआर लिमिटेड में 26% शेयर होल्ड करता है और डीईएफ लिमिटेड पीक्यूआर लिमिटेड में 25% शेयर होल्ड करता है, मतलब पीक्यूआर लिमिटेड में टोटल जो कंट्रोल है उसका 50% से ज्यादा कंट्रोल एबीसी लिमिटेड और डीईएफ लिमिटेड मिलके होल्ड करता है। दोबारा से समझना, सिचुएशन वन कि डीईएफ लिमिटेड जो है, डीईएफ लिमिटेड जो है वो अकेला होल्ड करता है मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग राइट ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड। सिचुएशन नंबर टू, डीईएफ लिमिटेड जो है वो सिर्फ 26% शेयर होल्ड करता है पीक्यूआर का और एबीसी लिमिटेड भी 25% शेयर होल्ड करता है पीक्यूआर का। देन डिटरमाइन द होल्डिंग सबसे रिलेशनशिप, डिटरमाइन द होल्डिंग सबसे रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री, ठीक है, डिटरमाइन द होल्डिंग सबसे रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री। तो अब देखना, तुम एक चीज लॉजिकली समझना, जो मेरा बेटा है वो तो मेरा बेटा है ही, मेरा बेटा का जो बेटा है एक तरीके से वो भी तो मेरा बेटा ही हो गया ना, पोता हो गया, तो पोता और बेटा तो एक ही जैसा हो गया ना भाई। तो जो मेरा बेटा है वो तो मेरा बेटा है ही है, बट बेटा का बेटा जो है वो भी तो मेरा बेटा है, समझ रहे हो? तो जो कंपनी का सबसी है वो तो, जो पेरेंट का सबसी है वो तो उसका सबसी है ही, बट जो सबसी का सबसी है वो भी पेरेंट का सबसी है, ठीक है, जो सबसी का सबसी है वो भी पेरेंट का सबसी है। तो सिचुएशन नंबर वन जो था, डीईएफ लिमिटेड होल्ड करता है 51% वोटिंग राइट ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड, इसका मतलब पीक्यूआर लिमिटेड सबसी है डीईएफ का और डीईएफ तो ऑलरेडी सबसी है एबीसी का, यानी अपन क्या कह सकते हैं कि जो पीक्यूआर लिमिटेड है ना, इन दिस सिचुएशन इट इज अ सब्सिडरी ऑफ बोथ डीईएफ लिमिटेड प्लस एबीसी लिमिटेड। समझ में आया? दूसरा जो सिनारियो था, पीक्यूआर लिमिटेड होल्ड करता है 26% शेयर ऑफ, जो पीक्यूआर लिमिटेड में एबीसी लिमिटेड होल्ड करता है 26% एंड डीईएफ लिमिटेड होल्ड करता है 25%। तो अब तुम एक चीज समझो, डीईएफ लिमिटेड पीक्यूआर लिमिटेड में कितना परसेंट होल्ड कर रहा है, मात्र 25%, और साथ ही मान लीजिए कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी भी कंट्रोल नहीं कर रहा, कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी भी कंट्रोल नहीं कर रहा, तो क्या पीक्यूआर लिमिटेड डीईएफ लिमिटेड सबसी है? द आंसर इज नो, पीक्यूआर लिमिटेड डीईएफ लिमिटेड का सबसी नहीं है। लेकिन अब एबीसी लिमिटेड की बात करें तो देखा जाए तो वो पीक्यूआर लिमिटेड में 51% शेयर होल्ड करता है, कैसे, 26% डायरेक्टली होल्ड करता है और 25% इनडायरेक्टली अपने सबसी के थ्रू होल्ड करता है, 26% डायरेक्टली होल्ड करता है और 25% इनडायरेक्टली अपना सबसी के थ्रू होल्ड करता है। तो यहां पे क्या सिचुएशन बन जाएगा सर, कि जो पीक्यूआर लिमिटेड है ना, ये सबसी होगा ऑफ एबीसी लिमिटेड बट नॉट डीईएफ लिमिटेड।
इसको अपन चेन होल्डिंग रिलेशनशिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? चेन होल्डिंग रिलेशनशिप भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेन होल्डिंग रिलेशनशिप। इसके अंदर फर्दर एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, फर्दर इलुस्ट्रेशन बन सकते हैं, बहुत डीप जा सकते हैं अपन, बट उतना डीप जाने का नीड नहीं है। मुझे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना था कि होल्डिंग सब्सिडी का सर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। आपको डेफिनेशन एक्जैक्टली याद रखने की भी जरूरत नहीं है होल्डिंग सब्सिडी का, जस्ट टेकिंग दिस एग्जांपल्स यू कैन रिमेंबर द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी कि भैया होल्डिंग सब्सिडी क्या होता है। एसोसिएट कंपनी भी समझ लेते हैं, उसके बाद एक साथ नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगर बात करें सर एसोसिएट कंपनी क्या होता है, अब एसोसिएट कंपनी जो टर्म है सर वो डिफाइंड होता है सेक्शन 2+6 में, और याद रखिएगा जब हम एसोसिएट कंपनी की बात कर रहे हैं दैट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर एज वेल, दैट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर एज वेल। अब एसोसिएट कंपनी मतलब क्या हो गया, एक होता है ना बेटा तो नहीं है सामने वाला बट बेटे जैसा है, बेटा तो नहीं है बट बेटे जैसा है, मतलब बेटे जितना कंट्रोल तो नहीं है बट कंट्रोल तो है, बेटे जितना कंट्रोल तो नहीं है बट कंट्रोल तो है। तो होल्डिंग सबसे का रिलेशनशिप क्या था सर कि 50% से ज्यादा वोटिंग राइट एक कंपनी दूसरी कंपनी में होल्ड करती है या उसके बीओडी के कंपोजिशन को कंट्रोल करती है। अब सर मान लीजिए दैट सर रिलायंस जैसी कंपनी में कोई बंदा 30% शेयर होल्ड करके बैठा है, 30% वोटिंग पावर एक्सरसाइज करता है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा भी रिलायंस में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है? कंट्रोल बोलना शायद गलत हो बट वो बंदा भी कहीं ना कहीं रिलायंस में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, बट होल्डिंग सब्सिडी के डेफिनेशन में तो वो फॉल कर नहीं रहा, होल्डिंग सब्सिडी के क्राइटेरिया में तो वो फॉल कर नहीं रहा। सो इन दैट सिचुएशन क्या माना, इन दैट सिचुएशन अगर होल्डिंग सब्सिडी के डेफिनेशन को अपन देखेंगे तो उस पार्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ, उस पार्टिकुलर कंपनी के साथ तो रिलायंस का कोई रिलेशन ही नहीं रहेगा जो 30% शेयर होल्ड कर रहा है। तो भैया जो 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रहा है उसको तो तुमने होल्डिंग सब्सिडी का नाम दे दिया, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में आ जाएगा, हर चीज में आ जाएगा, रिलेटेड पार्टी में आ जाएगा, लेकिन एक बंदा जो 30% शेयर होल्ड कर रहा है तुम उसको काउंट ही नहीं कर रहे, वो भी तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करता है। तो न्यू कंपनीज एक्ट 2013 में एक और डेफिनेशन लॉ मेकर ने बनाया एसोसिएट कंपनी। अब यहां पे क्या बोला, बोला देखो अगर तुम 50% शेयर होल्ड नहीं भी करते हो, 50% वोटिंग शेयर एक्सरसाइज नहीं भी करते हो, एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर भी एक्सरसाइज करते हो, एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर भी एक्सरसाइज करते हो, कितना, एटलीस्ट 20%, या फिर 20% वोटिंग पावर भी एक्सरसाइज नहीं करते हो बट एटलीस्ट तुम हर बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हो, तुमको इतना पावर दिया गया एज पर द एग्रीमेंट कि यू पार्टिसिपेट इन एवरी बिजनेस डिसीजन, यू हैव द पावर टू पार्टिसिपेट इन एवरी बिजनेस डिसीजन। कभी कभी ऐसा होता है ना कुछ मेजर फंडिंग वगैरह दिया कंपनी को, बोल के कंपनी ने साथ में एक एग्रीमेंट कर लिया कि भाई तुम हमारे हर एक बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेट करो। तो बोला कि इन दैट सिचुएशन माना जाएगा कि वो कंपनी आपका एसोसिएट कंपनी है। क्या माना जाएगा कि वो कंपनी आपका एसोसिएट कंपनी है, वो कंपनी आपका एसोसिएट कंपनी, ठीक है, वो कंपनी आपका एसोसिएट कंपनी है। तो एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है सर कि एक कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है दूसरे कंपनी के ऊपर, एक कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है दूसरे कंपनी के ऊपर। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है सर कि एक कंपनी दूसरे कंपनी का एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर एक्सरसाइज करता है, 20% वोटिंग पावर एक्सरसाइज करता है, या फिर बिजनेस डिसीजंस में पार्टिसिपेट करता है एज पर द एग्रीमेंट, बिजनेस डिसीजंस में पार्टिसिपेट करता है सर एज पर द एग्रीमेंट। तो वो रिलेशन क्या कहलाता है, वो रिश्ता क्या कहलाता है, दैट बिकम्स एन एसोसिएट रिलेशनशिप, दैट बिकम्स एन एसोसिएट रिलेशनशिप। एंड फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन वेदर इट्स अ होल्डिंग कंपनी और इट्स अ सब्सिडियरी कंपनी और इट्स अ एसोसिएट कंपनी और इट्स अ जॉइंट वेंचर, एवरी कंपनी इज टू बी कंसिडर्ड। एंड सो यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट द डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी एंड द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट कंपनी। तो कैन यू हेल्प मी आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। सिचुएशन नंबर वन, एबीसी लिमिटेड डीईएफ लिमिटेड में जीरो शेयर्स होल्ड करता है, कितना होल्ड करता है सर, जीरो शेयर्स होल्ड करता है, बट हैज द पावर टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इन डीएफ लिमिटेड। सिचुएशन नंबर टू, एबीसी लिमिटेड 53% वोटिंग राइट एक्सरसाइज करता है डीएफ लिमिटेड के ऊपर। पॉइंट नंबर थ्री, एबीसी लिमिटेड
25% वोटिंग राइट एक्सरसाइज करता है डीईएफ लिमिटेड के ऊपर, प्लस कंट्रोल्स कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी, प्लस कंट्रोल्स कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी। सिचुएशन नंबर फोर, एबीसी लिमिटेड 25% वोटिंग राइट एक्सरसाइज करता है डीईएफ लिमिटेड के ऊपर, प्लस नो कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं है कॉम्पोजिशन में। पॉइंट नंबर फाइव, एबीसी लिमिटेड फिफ्टीन परसेंट वोटिंग राइट एक्सरसाइज करता है डीईएफ लिमिटेड में, प्लस पार्टिसिपेट्स इन बिजनेस डिसीजंस, हर बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेट करता है। सिचुएशन नंबर सिक्स, एबीसी लिमिटेड मात्र 15% कंट्रोल एक्सरसाइज करता है, बट 15% के अलावा नो कंट्रोल इन बीओडी, नो पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन, नो पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन, समझ रहे हो? तो देखना अलग अलग सिनारियोज में, सर एबीसी लिमिटेड के डीईएफ लिमिटेड में जीरो शेयर होल्ड करता है बट हैज द पावर टू अपॉइंट अ मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इन डीईएफ लिमिटेड, तो ये रिश्ता को क्या रिश्ता कहलाता है? सर ये होल्डिंग सबसी का रिश्ता कहलाता है एज पर द वर्च्यू ऑफ डेफिनेशन गिवन इन द डेफिनेशन ऑफ सबसी कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 87। तो होल्डिंग सबसी का रिश्ता कहलाता है सर। दूसरा सिचुएशन, एबीसी लिमिटेड वोटिंग राइट 53% वोटिंग राइट एक्सरसाइज करता है डीईएफ लिमिटेड में, सर ये भी होल्डिंग सबसी का रिलेशनशिप है सर। तीसरा सिनेरियो, 25% वोटिंग राइट एक्सरसाइज करता है यानी 50% से कम, 20% से ज्यादा एसोसिएट है, एसोसिएट है, एसोसिएट है। दूसरा कंडीशन भी देख लो, कंट्रोल करता है कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी, ओ माय गॉड, कंट्रोल करता है कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी, तो सर ये भी होल्डिंग सबसे रिलेशनशिप है। अगला कंडीशन, एबीसी लिमिटेड 25% वोटिंग राइट एक्सरसाइज करता है बट कंट्रोल नहीं करता है कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी, यानी होल्डिंग सबसे तो हो नहीं सकता बट कंट्रोल 20% से ज्यादा है, 50% से कम है, यानी एसोसिएट का रिलेशनशिप। उसके अलावा सर एबीसी लिमिटेड 15% वोटिंग राइट एक्सरसाइज करता है प्लस बिजनेस डिसीजंस में पार्टिसिपेट करता है, तो सर 20% भी कंट्रोल नहीं है, 20% भी कंट्रोल नहीं है, क्या एसोसिएट का रिश्ता भी नहीं है? बट एसोसिएट के रिश्ते का एक और कंडीशन था, पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजंस, तो दिस अगेन बिकम्स एसोसिएट रिलेशन। एंड आखिरी एग्जाम्पल में 15% वोटिंग राइट है बट नो कंट्रोल इन बीओडी, नो पार्टिसिपेशन, यानी नो रिलेशन, कोई रिश्ता नहीं है, ना एसोसिएट का रिश्ता है, ना होल्डिंग का रिश्ता है सर, ना सबसी का रिश्ता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा सर, फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ होल्डिंग सबसे रिलेशनशिप, लॉ में स्पेसिफिकली बोला 50% से ज्यादा वोटिंग राइट होना चाहिए, लेकिन अगर एसोसिएट के रिश्ते की बात करें वहां बोला एटलीस्ट 20% कंट्रोल होना चाहिए, सो दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20% एंड होल्डिंग सबसे के केस में दैट विल बी ग्रेटर देन 50%, ठीक है ना? तो अब सर ये सारा कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा, अब ये सारा कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा, द रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग सबसी एंड एंड व्हाट इज एसोसिएट कंपनी। एंड एक चीज और याद रखिएगा सर, लॉ कहता है एसोसिएट ऑल्सो इंक्लूड ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट ऑल्सो इंक्लूड ज्वाइंट वेंचर।
सो अभी तक मामला ऑल क्लियर है एकदम कि नहीं? ऑल क्लियर है ना, मतलब ऑल क्लियर का दो इम्प्लीकेशन होता है यार, या तो ऑल क्लियर है या तो ऑल क्लियर है, या तो सर सब कुछ समझ आ गया यार सर सर कुछ भी समझ नहीं आया, ऑल क्लियर है एकदम, है ना? तो आई बिलीव कि पॉजिटिव वाला ऑल क्लियर है अपना। अब देखना रियल चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है अपना, वी कैन से द रियल चैप्टर स्टार्ट नाउ। तो देखो यार पूरे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो एक पेरेंट कंपनी है एंड देन वी हैव द कंपोनेंट्स ऑफ द पेरेंट कंपनी, ठीक है? अपने को जो चैप्टर पढ़ना है ना, मेनली पेरेंट कंपनी के परव्यू से पढ़ना है। तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि आखिर पेरेंट कंपनी का क्या क्या जिम्मेदारी रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेशन, और जो पेरेंट कंपनी का ऑडिटर रहेगा ना, पेरेंट कंपनी का ऑडिटर का भी क्या क्या जिम्मेदारी रहेगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा, और क्या क्या प्रोसीजर्स उसको फॉलो करना रहेगा, और पेरेंट कंपनी का ऑडिटर किस बारे में रिपोर्टिंग करेगा, ठीक है? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पेरेंट कंपनी जो है, पेरेंट कंपनी का क्या क्या जिम्मेदारी रहेगा, और जो पेरेंट कंपनी का ऑडिटर है, ऑडिटर का क्या क्या जिम्मेदारी रहेगा, ठीक है ना? एंड वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई कंपोनेंट का क्या जिम्मेदारी रहेगा। अब देखो पेरेंट कंपनी के एंगल से सोचो, एकदम लॉजिकली सोचो, पेरेंट कंपनी के ऊपर ना डुअल जिम्मेदारी है यार, माँ बाप के ऊपर ना बहुत जिम्मेदारी होता है, खुद का तो होता ही है, बच्चों का भी होता है। तो पेरेंट कंपनी को सर खुद का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है, एंड साथ ही साथ पेरेंट को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करना है। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कैसे किया जाता है सर, तो उसके लिए भी लीगल फ्रेमवर्क होता है ना? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स एप्लीकेबल होते हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स लगाना रहता है, अप्लाइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क CFS प्रिपेयर होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सर Schedule 3, तो Schedule 3 को फॉलो किया जाता है इन प्रिपेयरिंग CFS। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें सर, तो AS अगर एप्लीकेबल है कंपनी के ऊपर, क्या एप्लीकेबल है सर? AS एप्लीकेबल है, तो अकॉर्डिंगली AS 21 लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के हिसाब से कंसोलिडेशन होता है। अगर ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स की बात करें, तो उनके अकाउंटिंग के लिए AS 23 लगता है। अगर कंपनी के ऊपर इंड AS एप्लीकेबल है, तो इंड AS के लिए वी हैव इंड AS 110, वी हैव इंड AS 103, इनके हिसाब से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होता है। तो पेरेंट कंपनी के ऊपर सर डुअल जिम्मेदारी होता है, एक स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो प्रिपेयर करेंगे तो सर उसका एक लीगल फ्रेमवर्क होता है, Schedule 3 के हिसाब से प्रिपेयर करना है, Schedule 3 के हिसाब से डिस्क्लोजर दिखाना है, AS फॉलो करना है, इंड AS एप्लीकेबल है तो इंड AS फॉलो करना है, ठीक है? अब समझो जो उसका ऑडिटर भी रहेगा ना पेरेंट कंपनी का, तो ऑडिटर ऑफ पेरेंट कंपनी का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा सर, वो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के तरफ तो उनका जिम्मेदारी रहेगा ही रहेगा, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के तहत तो उसका जिम्मेदारी होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे सर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के तरफ भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा। तो जो ऑडिटर होगा पेरेंट कंपनी का, यानी कि जो पेरेंट ऑडिटर होगा, कौन होगा? जो पेरेंट ऑडिटर होगा उसका भी डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा सर, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ तो होगा ही होगा टू रिपोर्ट कि जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से है कि नहीं है। और जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया जा रहा है सर, उसकी तरफ भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, FRF के हिसाब से है कि नहीं है, ठीक है? अब सर यहां पे भी दो चीजें होंगी, अपने को यह समझना पड़ेगा कि जो पेरेंट कंपनी का ऑडिटर है वही कंपोनेंट्स का ऑडिटर है या नहीं है। जो पेरेंट कंपनी का ऑडिटर है, अगर वही कंपोनेंट्स का ऑडिटर है, तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उनका ऑडिट भी मैं ही कर रहा हूं। मान लो लैडस से ई एंड वाई क्या कर रही है सर, पेरेंट कंपनी का भी ऑडिट कर रही है, ई एंड वाई क्या कर रही है, कंपोनेंट्स का भी ऑडिट कर रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ई एंड वाई का टीम ही पेरेंट कंपनी का ऑडिट कर रहा है, ई एंड वाई का टीम ही सारा का सारा कंपोनेंट का ऑडिट कर रहा है ना? तो व्हाट हैपेंस इज दैट इजली सारा इन्फॉर्मेशन को कंसोलिडेट करके, मतलब उनके लिए इजी होगा ना यार, क्योंकि सारा का सारा कंपोनेंट्स का ऑडिट भी वही लोग कर रहे हैं, तो उनको एक्जैक्टली पता है कि यार ठीक है, जितना भी कंपोनेंट्स का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो भी ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ट्रू एंड फेयर व्यू ओपिनियन देना। लेकिन अनदर पॉसिबिलिटी इज दैट कि पेरेंट कंपनी का ऑडिटर कोई और रहेगा, कंपोनेंट का ऑडिटर कोई और रहेगा, एंड इन रियलिटी ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है सर, ये भी आपको रीजन बताता हूं मैं, कि नॉर्मली अगर हम लोग लिस्टेड कंपनीज की बात करें, तो उनका बहुत सारा कंपोनेंट रहता है, और मान लीजिए लैटर से वो नॉर्मली Big 4 को अपॉइंट करते हैं एज देयर पेरेंट ऑडिटर, एज देयर पेरेंट कंपनी का ऑडिटर। लेकिन अगर Big 4 को ही सारा अगर कंपोनेंट का भी ऑडिटर बना दिया जाएगा ना, तो भाई वहां पे क्या होता है यार, जो अपना ऑडिट फीस है वो बहुत हाई हो जाता है, बहुत स्केल अप हो जाता है। इनफैक्ट लिस्टेड एंटिटीज तो अफोर्ड कर भी देती हैं कितनी बार, बट जो मीडियम एंटिटीज होती हैं तो प्रैक्टिकली अब काफी बार क्या होता है यार, कि मीडियम एंटिटीज भी ना अपना पेरेंट कंपनी का जो मेन कंपनी का जो ऑडिटर होता है उसको तो Big 4 को बना देता है।
लेकिन प्रैक्टिकली वो सारे कंपोनेंट का भी अगर ऑडिट बिग फोर को देने लगे तो फीस बहुत ज्यादा स्केल अप हो जाएगा, दैट दे कैन नॉट एफोर्ड। पेरेंट कंपनी का, मेन कंपनी का तो ऑडिटर वो बिग फोर को बना लेते हैं, क्योंकि उनको भी एक प्रोजेक्शन देना रहता है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सामने कि हमने बहुत बढ़िया से काम किया है, बट सारे कंपोनेंट का ऑडिट वो बिग फोर के हाथ में नहीं दे सकते। सो दैट इज वाई कंपोनेंट्स के लिए कभी कभी क्या हो जाता है, नॉर्मली मिड साइज ऑडिट फर्म्स को अपॉइंट कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो पेरेंट कंपनी का ऑडिटर रहेगा, जो पेरेंट कंपनी का ऑडिटर रहेगा, उसका तो रिपोर्टिंग जो रहेगा वो तो पूरा में रहेगा ना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रहेगा ना। तो प्रैक्टिकली इन दैट सिचुएशन क्या रहेगा, यहां पे जो पेरेंट कंपनी का ऑडिटर रहेगा उसको कंपोनेंट्स के ऑडिटर का काम यूज करना रहेगा, उसको कंपोनेंट के ऑडिटर का क्या करना रहेगा सर, काम यूज करना रहेगा, क्योंकि कंपोनेंट का ऑडिटर कोई और है। तो ही इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ही इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द कंपोनेंट्स का ऑडिटर, एंड बेस्ड ऑन देयर ऑडिट रिपोर्ट ही इज गोइंग टू गिव ओपिनियन ऑन हिज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्योंकि अब उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरे ऑडिटर का काम यूज करना पड़ेगा सर, SS600 अप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे ऑडिटर का काम यूज करना रहेगा, क्योंकि मजबूरी है, हर एक कंपोनेंट में जाके वो ऑडिट नहीं कर सकता। तो कंपोनेंट का जो ऑडिटर रहेगा उसका काम यूज करेगा, उस चीज को ऑडिट रिपोर्ट में अपने मेंशन करेगा कि कंपोनेंट का ऑडिट किसी और ने किया था, है ना, उस चीज को अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा कि कंपोनेंट का ऑडिट किसी और ने किया था। इसलिए आजकल पता तुमको क्या होता है, प्रैक्टिकली काफी बिग फोर वगैरह ना कंडीशन लगा देता है। क्या कंडीशन लगा देता है कि मैं तुम्हारा ऑडिट तभी एक्सेप्ट करूंगा अगर सब्सटेंशियली तुम अपने कंपोनेंट्स का ऑडिट भी मुझे दोगे। मान लो एटलीस्ट 60% ऑफ पूरे बिजनेस का ऑडिट मेरे को दोगे तभी जाकर मैं तुम्हारा ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा, वरना ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा ही नहीं। तो ऐसा बिग फोर कंडीशन लगा देता है आजकल काफी केसेस में, क्योंकि उनको रिस्क लगता है यार कि कंपोनेंट्स का जो मेजर ऑडिट है वो किसी और के पास है, अब ओवरऑल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपने को रिपोर्टिंग करनी है, तो एक रिस्क अराइज हो जाता है। सो इसलिए आजकल बिग फोर्स वगैरह काफी जगह कंडीशन भी लगा देते हैं कि सब्सटेंशियल ऑडिट अपने पास होना चाहिए, सब्सटेंशियल ऑडिट अपने पास होना चाहिए, कंपोनेंट्स का भी एटलीस्ट एक सब्सटेंशियल परसेंटेज ऑफ ऑडिट अपने पास होना चाहिए। तो समझ पा रहे हो कि एज अ ऑडिटर भी मेरे को दो चीजें देखनी होंगी कि मैं पेरेंट कंपनी का तो ऑडिटर हूं, बट मैं कंपोनेंट का भी ऑडिटर हूं या नहीं हूं। अगर कंपोनेंट का भी ऑडिटर हूं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, मैं इजिली रिपोर्ट कर दूंगा ऑन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट अगर मैं कंपोनेंट का ऑडिटर नहीं हूं, कंपोनेंट का ऑडिटर कोई और है, तो मेरे को यूज करना पड़ेगा द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, एंड वहां पर SS600 भी एप्लीकेबल हो जाएगा। SS600 किस चीज के बारे में है सर, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स के बारे में है। और अगर हम लोग कंपोनेंट की बात करें सर, तो कंपोनेंट कंपनी को क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कंपोनेंट कंपनी को भी CFS बनाना पड़ सकता है? बनाना पड़ सकता है अगर उस कंपोनेंट के भी मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। मतलब रिलायंस का एक सब्सिडरी है, तो वो जो सब्सिडरी है वो तो अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल बनाएगा ही बनाएगा, हो सकता है उस सब्सिडरी के खुद के भी मल्टीपल सब्सिडरीज हो, उस सब्सिडरी के खुद के भी एसोसिएट्स हो, तो उनको भी वहां पर CFS प्रिपेयर करना पड़ सकता है। ऑल्दो देयर इज एन एग्जम्पशन गिवन फॉर दैट, देखेंगे अपन। अब यहां पे जो कंपोनेंट का ऑडिटर रहेगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, सिर्फ कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रति उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, पेरेंट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रति उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। बट उसको ना कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा विद द ऑडिटर ऑफ द पेरेंट कंपनी, उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा विद द ऑडिटर ऑफ द पेरेंट कंपनी इफ इट्स अ डिफरेंट ऑडिटर फॉर द पेरेंट, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेशन के बिना पेरेंट कंपनी का जो ऑडिटर है वो अपना ओपिनियन नहीं दे पाएगा। समझो इस चीज को, है ना, उसके कोऑर्डिनेशन के बिना जो पेरेंट कंपनी का ऑडिटर है वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। और सर उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अब देखो, पेरेंट कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना पेरेंट कंपनी का काम है, CFS प्रिपेयर करना पेरेंट कंपनी का काम है, ठीक है। और ऑडिटर का क्या काम है, ओपिनियन देना। ऑडिटर का क्या काम है सर, रिपोर्टिंग करना, किस चीज के बारे में, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, CFS के बारे में, ठीक है, एकदम क्लियर है। अब एक चीज बताना सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट करने के लिए जो भी प्रोसेस फॉलो होगा, जैसे कि कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना, FRF को आइडेंटिफाई करना, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स वगैरह करना, तो वो जो प्रोसेस फॉलो होगा वो किसका काम रहेगा, पेरेंट कंपनी का काम रहेगा या सबसी का काम रहेगा, कंपोनेंट का काम रहेगा या पेरेंट के ऑडिटर का काम रहेगा। सोचो सबसी का तो काम रहेगा नहीं, वो तो एनीवेज एलिमिनेट हो गया, है ना, वो तो एनीवेज एलिमिनेट हो गया। देखो आंसर शुड कम फ्रॉम यू, आई कैन डायरेक्टली टेल यू द आंसर्स, बट उससे आप लर्न नहीं कर पाओगे, आंसर आपसे आना चाहिए, लॉजिक आपसे आना चाहिए, तब मजा आएगा अपने को, ठीक है। तब सोच के देखो सर, सबसे तो एलिमिनेट हो गया, कंपोनेंट तो एलिमिनेट हो गया, अब पेरेंट कंपनी का काम है कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना, कंसोलिडेशन करना, कंसोलिडेशन के लिए सारे एडजस्टमेंट्स करना, कंपोनेंट्स से इंफॉर्मेशन लेना, उनको कंसोलिडेट करना, मर्ज करना, ये सारा पेरेंट का काम है या उसके ऑडिटर का काम है, किसका काम है, बताओ बताओ बताओ।
बिल्कुल सही बोला, पेरेंट का काम है, ऑडिटर का काम नहीं है। ऑडिटर का काम तो सिर्फ रिपोर्ट करना है। इंडिविजुअली सोचो ना यार, अपन एक कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं तो ऑडिटर का काम तो सिर्फ रिपोर्ट करना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना ऑडिटर का काम नहीं होता, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो होता है सर, वो भी ऑडिटर का काम नहीं होता। तो सिमिलरली अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के केस में भी बात करें तो एज ए ऑडिटर उसका काम सिर्फ रिपोर्ट करना है। वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, जैसे कि कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना, कंपोनेंट्स का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है ना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना सर, एडजस्टमेंट्स करना, कभी कभी एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है, एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है, बहुत सारा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तुम लोग पढ़ते हो कंसोलिडेशन में कि भाई हो सकता है सब्सिडियरी डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा है, पेरेंट कंपनी अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा है, तो उसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना। मान लो कि भाई आपस में इंट्रा डेप्स है, तो पेरेंट कंपनी को सबसे से कुछ पैसा मिलना है, पेरेंट कंपनी को सबसे को कुछ पैसा देना है, उस चीज का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो बहुत सारा एडजस्टमेंट होता है, यू स्टडी कंसोलिडेशन, सो मेनी सम्स यू स्टडी फॉर दैट। तो वो किसका काम है, वो एडजस्टमेंट करना किसका काम है, वो भी सर पेरेंट कंपनी का काम है, वो भी पेरेंट कंपनी का काम है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कौन कौन से, उनको आइडेंटिफाई करना भी पेरेंट कंपनी का काम है। देन मेजर सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करना कि अपने बिजनेस के मेजर सेगमेंट्स कौन से हैं, अपने बिजनेस के रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन से हैं, ए कॉन्सेप्ट दैट यू स्टडी इन AS 17 एंड ए कॉन्सेप्ट दैट यू स्टडी इन AS 108, कि अपने मेजर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन से हैं, मेजर सेगमेंट्स कौन से हैं जो अपना सब्सटेंशियल रेवेन्यू वगैरह जनरेट करता है, वो काम किसका है सर, वो भी पेरेंट कंपनी का काम है। इन ये सारा काम करके ही तो कंसोलिडेशन हो पाएगा ना अच्छे से। कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना रहेगा, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना रहेगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना रहेगा, सारा इंफॉर्मेशन को मर्ज करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स करने होंगे, बहुत सारा एडजस्टमेंट्स करना रहेगा, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज का हार्मोनाइजेशन करना रहेगा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज का, इंट्रा ग्रुप डेप्स वगैरह है तो उसको एडजस्ट करने होंगे, होल्डिंग ने सबसे को माल बेचा, सबसे ने होल्डिंग को माल बेचा तो उसमें जो लोडिंग वगैरह हुआ है उसको एडजस्ट करना रहेगा। तो बहुत सारा एडजस्टमेंट होता है, बहुत सारा एडजस्टमेंट होता है। तो वो सारा काम भी किसका है सर, पेरेंट कंपनी का है, पेरेंट कंपनी का ऑडिटर का काम नहीं है, ऑल दिस वर्क इज ऑफ द पेरेंट कंपनी। ऐसा भी हो सकता है कि सबसे इंडिया के बाहर का है, रिलायंस है उसका एक सबसे US में है, रिलायंस है उसका सबसे कहां है सर, US में है। तो अब जो रिलायंस का सब्सिडरी US में है वो तो US गैप फॉलो कर रहा होगा, US जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉलो कर रहा होगा, लेकिन रिलायंस क्या फॉलो कर रही है, इंडियन गैप फॉलो कर रही है, इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉलो कर रही है। तो रिलायंस का जो सब्सिडरी है उसने अपना अकाउंटिंग US गैप के हिसाब से बनाया होगा, राइट। अब जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो जो अकाउंटिंग वो तो US गैप के हिसाब से हुआ है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पेरेंट कंपनी को गैप कन्वर्जन भी करना पड़ेगा, उस अकाउंट्स को दोबारा प्रिपेयर करने होंगे, फ्रेमवर्क को चेंज करना होगा एंड प्रिपेयर करना होगा एज पर द इंडियन गैप। तो वो काम भी करना होगा, एक कन्वर्जन भी करना रहेगा, वो भी किसका काम है सर, पेरेंट कंपनी का काम है, ऑडिटर का काम तो है नहीं। तो आप बोल सकते हो गैप कन्वर्जन, आप क्या बोल सकते हो सर, गैप कन्वर्जन। ये सारे कॉन्सेप्ट आएंगे दोबारा बुक में भी, अपन रीड करेंगे दोबारा से, अभी के लिए समझो गैप कन्वर्जन करना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स का कन्वर्जन करना, कि सब्सिडरी क्या है सर, इंडिया के बाहर है, US में है तो वो US गैप के हिसाब से अकाउंट्स बना रहे हैं, यहाँ पे इंडियन गैप के हिसाब से अकाउंट्स बन रहे हैं, तो गैप कन्वर्जन भी करना रहेगा, उस गैप को हटाना रहेगा, डिफरेंस को ब्रीच करना रहेगा। तो ये सारा काम पेरेंट का है, ये सारा काम पेरेंट का है, ठीक है सर, ये सारा काम पेरेंट का है। और पेरेंट कंपनी के ऑडिटर का क्या काम है सर, पेरेंट कंपनी का ऑडिटर क्या करेगा फिर, रिपोर्टिंग करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, ये चेक करेगा कि भाई पेरेंट कंपनी ने अपना सारा काम अच्छे से करा है कि नहीं, जो एडजस्टमेंट्स वगैरह करे हैं पेरेंट कंपनी ने तो वो एडजस्टमेंट्स वगैरह प्रॉपरली करा है कि नहीं, FRF को अच्छे से फॉलो करा है कि नहीं। अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर ऑफ पेरेंट कंपनी, है ना। और सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटर का क्या काम रहेगा सर, कोऑर्डिनेट करना विद द ऑडिटर ऑफ द पेरेंट कंपनी, कोऑर्डिनेट करना विद द ऑडिटर ऑफ द पेरेंट कंपनी। आई बिलीव कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ठीक है। तो एक बार ये वाला पार्ट भी यार नोट डाउन कर लीजिए, एक बार ये वाला हिस्सा भी नोट डाउन कर लीजिए। अभी 80% पे समझ आ गया तो काम चल जाएगा अपना, क्योंकि अपने को ये दोबारा चीजें देखनी है बुक के अंदर, तो मैं दोबारा इन कॉन्सेप्ट को टच करने वाला हूं।
अब देखना आगे बढ़ते हैं अपन। अभी तक अपने को ये समझ में आया सर कि कंसोलिडेशन बनाना है, किसको बनाना है, हर एक पेरेंट एंटिटी को जिसका भी सर सब्सिडरी है, एसोसिएट है, ज्वाइंट वेंचर है, उनको कंसोलिडेशन बनाना है। दे हैव टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, वो बात अपने को समझ में आ गई। अब सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाना है, व्हाई वी हैव टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए एप्लीकेबल FRF कौन सा है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू स्टडी। एंड साथ ही साथ अगला सवाल मेरा ये आएगा मेरे मन में कि सर क्या कोई एग्जम्पशन है क्या फ्रॉम प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सोचो ना मैनेजमेंट के एंगल से सोचो कि तुम कौन हो, मैनेजमेंट हो, तुम कौन हो, मैनेजमेंट हो, तुमको सडनली कोई आके बोल रहा है कि चल मैनेजमेंट तेरा सब्सिडरी है, तेरा एसोसिएट है, तेरा ज्वाइंट वेंचर है। मैनेजमेंट बोलता है हाँ है, तो है मेरा दो सब्सिडरीज है, दो एसोसिएट है, दो ज्वाइंट वेंचर है, क्या करना है? बोला तेरे को CFS बनाना है। तेरे को क्या करना है? CFS बनाना है। अब मैं क्या पूछूंगा, क्यों भाई क्यों बनाना है, किसने बोला, किसके बोलने पे बनाऊं मैं? फिर जब वो बता देगा कि अरे भाई लॉ के अकॉर्डिंग तेरे को CFS बनाना है, तब मैं क्या करूंगा, अच्छा लॉ के अकॉर्डिंग CFS बनाना है, कुछ एग्जम्पशन वगैरह है क्या भाई, बता दो कुछ एग्जम्पशन वगैरह है क्या, कहीं कुछ रिलैक्सेशन वगैरह मिल सकता है क्या? तो दिस आर द थ्री क्वेश्चंस दैट आई नीड टू नो। CFS क्यों बनाना है, CFS बनाने के लिए एप्लीकेबल FRF कौन सा है, एंड कुछ एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं क्या फ्रॉम प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट मैंडेट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो कंपनी लॉ के अंदर ना अपना सेक्शन है सेक्शन 129 सब सेक्शन 3। कौन सा सेक्शन है सर? सेक्शन 129 सब सेक्शन 3, एंड दैट इज रेड विद रूल 6 ऑफ कंपनी अकाउंट्स रूल्स। तो कंपनी लॉ के अंदर अपना सेक्शन है सेक्शन 129 सब सेक्शन 3, एंड दैट इज रेड विद यू नो रूल 6 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल्स, जो क्या कहता है कि अगर किसी भी कंपनी का कोई भी सब्सिडरी है, या किसी भी कंपनी का कोई भी एसोसिएट है, या किसी भी कंपनी का कोई एक ज्वाइंट वेंचर है, तो उस कंपनी को क्या करना है सर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है। अब वो जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया जाएगा सर, वो कैसे प्रिपेयर किया जाएगा सर? शेड्यूल 3 के हिसाब से प्रिपेयर किया जाएगा, या फिर अगर और साथ में अगर AS एप्लीकेबल है तो AS के रिक्वायरमेंट्स लगेंगी, और अगर इंड AS एप्लीकेबल है तो इंड AS के रिक्वायरमेंट्स लगेंगे। दिस इज व्हाट सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 सेज, ठीक है, कि अगर कंपनी का कोई भी एक सब्सिडरी है, एसोसिएट है, ज्वाइंट वेंचर है, तो कंपनी को CFS प्रिपेयर करना है, शेड्यूल 3 के हिसाब से प्रिपेयर करना है, शेड्यूल 3 का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉलो करना है, राइट। एंड अगर AS एप्लीकेबल है तो अगेन AS के अकॉर्डिंग वहां पे काम करना है सर, अगर इंड AS एप्लीकेबल है तो इंड AS के अकॉर्डिंग वहां पे काम करना है। अब रेलिवेंट AS कौन से हैं सर, रेलिवेंट इंड AS कौन से हैं, मतलब दिस इज द एप्लीकेबल FRF, राइट। तो एप्लीकेबल FRF एग्जैक्टली क्या है? व्हाट इज द एप्लीकेबल FRF? तो शेड्यूल 3 इज द एप्लीकेबल FRF। अगर AS एप्लीकेबल है तो AS इज द एप्लीकेबल FRF। AS के अंदर भी अगर हम लोग बात करें सर, तो सब्सिडरी है तो AS 21 के हिसाब से अकाउंटिंग होगा, अगर एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर है तो AS 23 के हिसाब से अकाउंटिंग होगा। अगर इंड AS की बात करें सर, सर तो देर आर सेवरल इंड AS, देर आर सेवरल इंड AS, इंड AS 110 है जो मेन इंड AS है, देन वी हैव इंड AS 110, देन वी हैव इंड AS 113, दैट वी हैव इंड AS 103। तो अलग अलग इंड AS के एप्लीकेशन लगते हैं, दैट यू ऑलरेडी स्टडी इन योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर। सो दिस इज द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, दिस इज द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल गया कि व्हाट मैंडेट CFS क्यों बनाना है, तो 129 सबसेक्शन 3 बोलता है इसलिए बनाना है, 129 सबसेक्शन 3 रेड विद रूल 6 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल्स कहता है इसलिए बनाना है, कि अगर कंपनी का एक भी सब्सिडरी है, एसोसिएट है, ज्वाइंट वेंचर है, CFS बनाना है, शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना है, AS एप्लीकेबल है तो AS के हिसाब से, इंड AS एप्लीकेबल है तो इंड AS के हिसाब से, बिकॉज दिस इज द रेलिवेंट FRF, दिस इज द रेलिवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है ना, दिस इज द रेलिवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। या फिर आप इन शॉर्ट ऐसे भी बोल सकते हो सर कि ये हमारा एप्लीकेबल FRF है इसलिए इसके अकॉर्डिंग बनाना है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि दिस इज द इंडियन गैप, दिस इज द इंडियन गैप, और अगर एक फॉरेन सब्सिडरी है और उसने फॉरेन गैप के हिसाब से CFS प्रिपेयर करा हुआ है, तो फिर पेरेंट कंपनी को क्या करना पड़ेगा सर, गैप कन्वर्जन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गैप कन्वर्जन करना पड़ेगा यूजिंग एडजस्टमेंट्स। अब सर दूसरा सवाल ये आता है, अच्छा इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना सर, इसमें एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, इफ प्रिपरेशन ऑफ CFS, यदि प्रिपरेशन ऑफ CFS
इज एग्जम्प्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एएस, इज एग्जम्प्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एएस। तब भी कंपनी को क्या करना पड़ेगा सर, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल थ्री इज टू बी कंप्लाइड, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल थ्री इज टू बी कंप्लाइड, ठीक है ना। तब भी कंपनी को शेड्यूल थ्री की रिक्वायरमेंट फॉलो करनी होंगी विद रिगार्ड टू सी एफ एस, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल थ्री इज टू बी कंप्लाइड। तो दिस इज अगेन समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर प्रिपरेशन ऑफ सी एफ एस एग्जम्ड भी है सर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल थ्री इज टू बी कंप्लाइड। अब सर सवाल उठता है कि एग्जम्पशंस कौन कौन से हैं सी एफ एस से प्रिपेयर, सी एफ एस प्रिपेयर करने के। अब सर ये एग्जम्पशंस ना तीन जगह दी हुई है, तीन जगह दी हुई है, ठीक है। पहला कंपनीज एक्ट के अंदर ही दिया हुआ है, रूल सिक्स ऑफ सेक्शन 129 के अंदर ही दिया हुआ है। दूसरा एग्जम्पशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर दिया हुआ है कुछ सब्सिडरीज को, और तीसरा एग्जम्पशन इंड एस के अंदर दिया हुआ है। किसको, किसके अंदर दिया हुआ है, इंड एस के अंदर दिया हुआ है। तो कंपनीज एक्ट का एग्जम्पशन तो हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। देन जिस कंपनी में एएस एप्लीकेबल है उनके ऊपर एएस वाला एग्जम्पशन एप्लीकेबल होगा, और जिस कंपनी के ऊपर इंड एएस एप्लीकेबल है उनके ऊपर इंड एएस का एग्जम्पशन एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो अब देखना कंपनीज एक्ट क्या कहता है, कंपनीज एक्ट क्या कहता है, कंपनीज एक्ट कब एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है, फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये पार्टिकुलर जो एग्जम्पशन है कंपनीज एक्ट के अंदर, इसको देखने से पहले एक सिचुएशन स्टडी करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से बात समझ में आएगा। एक लेयर देखना, ठीक है। मान लो ये लिमिटेड है, मान लो ये लिमिटेड है जो कि एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। देन वी हैव बी लिमिटेड, देन वी हैव सी लिमिटेड, देन वी हैव डी लिमिटेड, देन वी हैव ई लिमिटेड। क्या कर रहे हो सर, ये क्या कर रहे हो, लंबा चौड़ा चेन बनाते जा रहे हो। अब मान लो भाई बी लिमिटेड ए लिमिटेड का सबसी है, सी लिमिटेड बी लिमिटेड का सबसी है, डी लिमिटेड सी लिमिटेड का सबसी है, ए लिमिटेड डी लिमिटेड का सबसी, ठीक है। बी लिमिटेड किसका सबसी है सर, ए लिमिटेड का। सी लिमिटेड किसका सबसी है सर, बी लिमिटेड का। डी लिमिटेड किसका सबसी है सर, ए लिमिटेड का, सी लिमिटेड का। और ए लिमिटेड का सर किसका सबसी है, डी लिमिटेड का, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम ऐसा कहते हैं तो सर सिनेरियो क्या बनेगा, सिनेरियो ये बनेगा कि ए लिमिटेड जो क्या करने वाला है सर, एक सीएफएस बनाने वाला है, प्रिपेयर करने वाला है सीएफएस, जिसके अंदर आप देखोगे ना तो बी सी डी ई सबका इंफॉर्मेशन आएगा, आएगा ना सबका इंफॉर्मेशन आएगा। उसके बाद बी लिमिटेड भी तो सीएफएस बनाएगा क्योंकि इसका भी तो सबसी है ना सी, और डी सी का है, ई डी का है, मतलब सी डी ई बी का भी सबसी है, सी डी ई ए का भी सबसी था। तो बी लिमिटेड भी सी एफ एस बनाएगा जिसके अंदर सी डी ई सबका इंफॉर्मेशन आएगा। सिमिलरली सी लिमिटेड भी क्या करने वाला है सर, सी एफ एस बनाने वाला है जिसके अंदर डी और ई दोनों का इंफॉर्मेशन आएगा। डी लिमिटेड भी सी एफ एस बनाने वाला है जिसके अंदर ई लिमिटेड का इंफॉर्मेशन आएगा। तो आप देख रहे हो बहुत सारा डुप्लीकेशन हो रहा है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो यार जो ए लिमिटेड था, जो जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट सब्सिडरी, क्या था, अल्टीमेट होल्डिंग, सॉरी, दिस इज कॉल्ड एज द अल्टीमेट होल्डिंग। अल्टीमेट होल्डिंग मतलब सबका बाप, सबका बाप तो एक ही होगा ना, सबका बाप। तो ए लिमिटेड क्या सर, यहाँ पे होल्ड अल्टीमेट होल्डिंग है, डी लिमिटेड ई लिमिटेड का होल्डिंग है, सी लिमिटेड डी लिमिटेड का होल्डिंग है, बी लिमिटेड सी लिमिटेड का होल्डिंग है, बट ए लिमिटेड सर यहाँ पे क्या है, अल्टीमेट होल्डिंग है। बी लिमिटेड क्या सर बता आपको, इट्स द इमीडिएट होल्डिंग फॉर सी लिमिटेड, इट्स द इमीडिएट होल्डिंग फॉर सी लिमिटेड, कि सी के पिछले वाला। सी लिमिटेड क्या पता है सर, इट्स द इमीडिएट होल्डिंग फॉर डी लिमिटेड, इट्स द इमीडिएट होल्डिंग फॉर डी लिमिटेड, समझ रहे हो ना। अगर मैं डी से पूछूं तेरा इमीडिएट होल्डिंग कौन है तो वो बोलेगा सी, अगर मैं सी से पूछूं तेरा इंटरमीडिएट होल्डिंग कौन है वो बोलेगा बी, बी से पूछूं तेरा इंटरमीडिएट होल्डिंग कौन है, ए, लेकिन अल्टीमेट होल्डिंग कौन है, सबका बाप कौन है, ए, क्लियर है। तो अब लॉजिकली एक चीज समझो यार, अगर सी लिमिटेड सीएफएस बना रहा था तो टेक्निकली देखा जाए तो डी लिमिटेड नहीं भी बनाए तो काम चलना चाहिए, क्योंकि सी लिमिटेड वाले में तो ऑलरेडी मतलब बी लिमिटेड सॉरी, अगर सीएफएस बना रहा था तो देखा जाए तो सी लिमिटेड का नहीं बनाने से भी काम चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बी लिमिटेड ने बनाया है एंड ऑलरेडी बी लिमिटेड ने वो सारा इंफॉर्मेशन इंक्लूड किया है, समझ रहे हो। और अगर देखा जाए टेक्निकली फिर सर, ए लिमिटेड ने अगर सीएफएस प्रिपेयर किया है तो भाई आगे किसी भी सब्सिडरी को सीएफएस नहीं बनाने से काम चलेगा,
क्योंकि टेक्निकली ए लिमिटेड वाले सीएफएस में सबका इंफॉर्मेशन शामिल है, सबका इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो ए लिमिटेड वाले सीएफएस में सर सबका इंफॉर्मेशन शामिल है, सबका लिमिटेड इंक्लूडेड है, तो सबको ही एग्जम्प्ट कर देना चाहिए, एकदम लॉजिकल सा चीज है। तो ये समझ में आया सर कि एग्जम्पशन कभी भी होल्डिंग कंपनी को नहीं मिलेगा कंपनीज एक्ट के हिसाब से, एग्जम्पशन सब्सिडरी को मिलेगा। सब्सिडरी को मिलेगा, किसको मिलेगा? सब्सिडरी को मिलेगा। कब मिलेगा? कि उसका जो इमीडिएट होल्डिंग कंपनी है उसने सीएफएस बनाकर आरओसी को फाइल कर दिया है। तो भाई उसका जो इमीडिएट होल्डिंग कंपनी है उसने सीएफएस बनाकर आरओसी को फाइल कर दिया है और सारा एएस का रिक्वायरमेंट वगैरह फॉलो करा है, तो क्योंकि इमीडिएट ने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है तो सब्सिडरी को फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। और अगर अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ने सीएफएस बनाया है और आरओसी को फाइल कर दिया है तो किसी भी सब्सिडरी को बनाने की जरूरत नहीं है। लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों? लेकिन कुछ कंडीशन इंसर्ट करे इस चीज के लिए, कुछ कंडीशन इंसर्ट करे। क्या कंडीशन इंसर्ट करे? बोला कि देखो अगर इंटरमीडिएट होल्ड जो इमीडिएट होल्डिंग कंपनी है उसने सीएफएस बनाया है, एएस के हिसाब से बनाया है, आरओसी को सबमिट किया है, या फिर जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है उसने सीएफएस बनाया है, एएस के हिसाब से बनाया है, आरओसी को सबमिट किया है, तो उनकी जो सब्सिडरीज है उनको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो पार्टली ओन्ड सब्सी हो, चाहे वो होल्ली ओन्ड सब्सी हो, चाहे वो पार्टली ओन्ड सब्सी हो, चाहे वो होल्ली ओन्ड सब्सी हो। मतलब बाप ने जिम्मेदारी पूरी पूरी की है तो बेटे को वहां पर जिम्मेदारी पूरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंडीशन के असर कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं कि एक तो यार वो जो सब्सिडरी है ना वो अनलिस्टेड हो। क्या वो अनलिस्टेड हो? लिस्टेड को कभी अब एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, लिस्टेड को कभी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। सब्सिडरी अनलिस्टेड हो, वो फिलहाल लिस्टेड नहीं हो, उसके शेयर्स लिस्टेड नहीं हो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, ना भविष्य के समय में वो अपने आपको लिस्ट कराने वाली हो, तो उनके शेयर्स अनलिस्टेड हो, ना भविष्य के समय में वो अपने आपको लिस्ट कराने वाली हो। दूसरी चीज, जो इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी या अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ने सीएफएस बनाया है, आरओसी को फाइल किया है, वो एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है, एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है। और तीसरी चीज की, जो कंपनी को एग्जम्पशन दिया जा रहा है ना, जो जिस कंपनी को एग्जम्पशन दिया जा रहा है ना फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस, जाकर उनसे मेंबर्स से पूछना पड़ेगा, जाकर उनके मेंबर्स से पूछना पड़ेगा कि आपकी कंपनी सीएफएस नहीं बना रही है, आपकी कंपनी को हम एग्जम्प्ट कर रहे हैं फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ सीएफएस, आपको कहीं कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, आपको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं वो कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते हैं तो भाई उसको एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। तो समझो बाप ने ऑब्लिगेशन पूरा करा तो बेटे को एग्जम्पशन दिया, लेकिन बेटा बहुत बड़ा ना हो, बेटा बहुत बड़ा होगा तो उसका भी खुद का ऑब्लिगेशन होगा, ठीक है ना। बाप ने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से पूरी करी है और बेटे के घर वालों से भी पूछा जाएगा, बीवी बच्चों से भी पूछा जाएगा, भाई तेरे को दिक्कत तो नहीं है अगर तुम्हारा जो बाप है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, क्योंकि जो उसका बाप है वो सारी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। समझ पा रहे हो? मतलब भाई जो इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है या फिर अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है उसने सीएफएस बनाया है, आरओसी को फाइल किया है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दूसरी सब्सिडरी जो है वो लिस्टेड है, ना आगे लिस्ट होने वाली है, और तीसरा जो शर्त है कि सब्सिडरी के सारे मेंबर्स ने से अपन ने पूछ लिया है और कोई भी मेंबर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है इस बात में, कोई भी मेंबर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है। अगर कोई भी मेंबर ऑब्जेक्शन करेगा ना वहां पे, कोई भी मेंबर ऑब्जेक्शन करेगा तो सब्सिडरी को एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, कोई भी मेंबर ऑब्जेक्शन करेगा सर तो सब्सिडरी को ऑब्जेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये जो एग्जम्पशन मिलेगा सर सब्सिडरी को मिलेगा, चाहे वो पार्टली ऑन सब्सी हो या होली ऑन सब्सी हो। कब मिलेगा? कि जितने भी मेंबर्स हैं सबको राइटिंग में सूचना दी गई है, इंटीमेट किया गया है और किसी मेंबर की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है। दूसरा, वो जो कंपनी है वो लिस्टेड नहीं है, ना ही आगे आने वाले सिनेरियो में उसका लिस्ट होने का कोई प्रोग्राम है। तीसरा सिचुएशन, जो भी अल्टीमेट सब्सिडरी, जो भी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है या फिर जो भी इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है, जो भी इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है, यहां पे जो वर्ड है दैट इज इंटरमीडिएट, नॉट इमीडिएट, इट्स इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी ने सीएफएस प्रिपेयर किया है या अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ने सीएफएस प्रिपेयर किया है और आरओसी को फाइल किया है एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर किया है, ठीक है जी। तो ये तीनों शर्तें पूरी होंगी तब जाकर उस सब्सिडरी को एग्जम्पशन मिलेगा फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग सीएफएस, ठीक है। तो ये तो हो गया सर एग्जम्पशन एज पर द कंपनीज एक्ट, ये तो हो गया एग्जम्पशन एज पर द कंपनीज एक्ट। उसके बाद आता है सर एग्जम्पशन एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एग्जम्पशन एज पर द इंड एएस, एग्जम्पशन एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जम्पशन एज पर इंड एएस अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो सिंपली कहता है, एएस 11 सिंपली कहता है यार सब्सिडरी को अगर टेम्पररी बेसिस में एक्वायर किया है ना फॉर द पर्पज ऑफ इमीडिएट डिस्पोजल इन द नियर फ्यूचर, कि जो एक्विजिशन का इंटेंशन था वो क्या था भाई, लॉन्ग टर्म होल्ड करना नहीं था, सब्सिडरी को एक्वायर किया है टेम्पररी इन्वेस्टमेंट के लिए, कि आज खरीदेंगे कल बेचेंगे, आज खरीदेंगे कल बेचेंगे, एंड लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन इंपोज करा है, लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन इंपोज करा है ऑन द ऑपरेशन ऑफ सब्सिडरी, लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया जा रहा है ऑन द ऑपरेशन ऑफ सब्सिडरी।
जिसकी वजह से सब्सिडरी कभी भी कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स वगैरह में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किया जा रहा है ऑन द ऑपरेशंस ऑफ सब्सिडरी, तो वहां पे एग्जम्पशन दे दिया जाता है टू कंसोलिडेट दैट सब्सिडरी, कि भाई आपने सब्सिडरी को एक्वायर ही किया टेम्पररी बेसिस में, टेम्पररी बेसिस में एक्विजिशन किया है, तो भाई उसको कंसिडर करने का जरूरत नहीं है। और लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं आपने ऑन दैट सब्सिडरी, तो उसको अगेन कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं है, उसको कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एग्जम्पशन है सर, इतना काम का नहीं है, मैं बता दूं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इन डेज का एग्जम्पशन है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन डेज क्या बोलता है, इन डेज बोलता है, इन डेज 110 बोलता है, 110 बोलता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ कंसोलिडेशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू ए इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो समझो इस बात को कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसका काम ही खरीदना बेचना है, जिसका काम ही खरीदना बेचना है, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या कर रहा है, इन्वेस्टर से पैसा ले रहा है, इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट कर रहा है, उनके बिहाफ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कुछ कंपनीज के शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रहा है विद ए ऑब्जेक्टिव टू गिव देम ए रिटर्न। तो इन्वेस्टर से पैसा लिया, उस इन्वेस्टमेंट का पैसा को कंपनीज में इन्वेस्ट करा ताकि उससे जो कमाई हो सके वो अपने इन्वेस्टर्स को दे सके, ताकि वो जो कमाई हो सके अपने इन्वेस्टर्स को दे सके। तो यार इन्वेस्टमेंट कंपनी के केस में तो यार डेली बेसिस का काम है, सब्सिडरीज में पैसा आज लगाएंगे कल को बेच देंगे, आज लगाएंगे कंपनियों में पैसा कल को बेच देंगे। तो भाई तुम कितनी कंपनियों का कंसोलिडेशन करते रहोगे यार, कितनी कंपनियों का कंसोलिडेशन करते रहोगे, पागल हो जाओगे। तो बोला भाई इन्वेस्टमेंट कंपनी को कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट कंपनी को कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाएगा, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट कंपनी को कंसोलिडेशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और रेदर क्या करना है सर, इन्वेस्टमेंट कंपनीज को ना AS 109 फॉलो करना है। इन्वेस्टमेंट कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो इंड AS 109, रिक्वायर्ड टू फॉलो इंड AS 109। और इंड AS 109 में बोला हुआ है कि भाई तुम अपनी सब्सिडरीज का वैल्यूएशन निकालो फेयर वैल्यू के माध्यम से, ठीक है। अपनी सब्सिडरीज का जो वैल्यूएशन है, सब्सिडरीज का जो मेजरमेंट है, कैसे निकालो तुम, फेयर वैल्यू के माध्यम से। दैट इज मेजर ऑल यू ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स इन द सब्सिडरी, मेजर ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स इन द सब्सिडरी एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। तो अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं सब्सिडरी में, उसका वैल्यूएशन निकालिए फेयर वैल्यू के हिसाब से। वो आप 109 में पढ़ते हो, इंड एएस 109 में पढ़ते हो। तो इसलिए इंड एएस 110 क्या बोलता है कि भाई ये कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है यार, लॉजिकल सा चीज है, तुम्हारा काम है डेली बेसिस में खरीदना बेचना है, तुम लोगों के बिहाफ में पैसा ले रहे हो, कंपनियों में पैसा लगा रहे हो ताकि उनको एक रिटर्न ऑफर कर सको, तो तुमको तुम्हारे ऊपर कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मगर 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 इन्वेस्टमेंट कंपनी का जो पैरेंट कंपनी है ना, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी का पैरेंट कंपनी है ना, जरूरी नहीं है कि एग्जम्पशन उनको भी मिले। जो इन्वेस्टमेंट कंपनी का पैरेंट कंपनी है, जरूरी नहीं है कि एग्जम्पशन उनको भी मिले, ठीक है। अब देखना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टमेंट कंपनी का पैरेंट कंपनी है वो खुद एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है कि नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी का पैरेंट कंपनी खुद भी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तब तो एग्जम्पशन मिलेगा। बट इन्वेस्टमेंट कंपनी का पैरेंट कंपनी खुद एक इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, तो वो ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो भी वो पैरेंट है इन्वेस्टमेंट कंपनी की, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो पैरेंट है एक इन्वेस्टमेंट कंपनी की, ठीक है ना। इट जस्ट लाइक दैट कि मतलब तुम मान के चलो भाई देश का जो सोल्जर है, जो फौज है, जो पुलिस है, उसको कुछ एग्जम्पशन दिया, ठीक है, तुम पुलिस में हो, तुमको कुछ एग्जम्पशन दिया। तो जस्ट बिकॉज योर फादर इज योर फादर, बिकॉज ही इज योर फादर, ही इज नॉट गोइंग टू गेट द सेम एग्जम्पशन, ही इज गोइंग टू गेट द सेम एग्जम्पशन ओनली इफ ही इज ऑल्सो ए सोल्जर। तो सिमिलरली इन्वेस्टमेंट कंपनी को एग्जम्पशन मिला कंसोलिडेशन से, लेकिन उसके पेरेंट को सिर्फ इस बात की वजह से एग्जम्पशन नहीं मिलेगा कि वो तुम्हारा पेरेंट है, तुम्हारे पेरेंट को उस बात के लिए एग्जम्पशन मिलेगा कि वो भी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो याद रखिएगा सर, एग्जम्पशन शैल बी एप्लीकेबल टू अ पेरेंट कंपनी ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी ओनली इफ पेरेंट कंपनी इज ऑल्सो ए इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है। तो तीन बातें हो गई सर, एग्जम्पशन फ्रॉम CFS, तीन सोर्सेज हैं, कंपनीज एक्ट, AS, इंड AS, मेनली कंपनीज एक्ट, इंड AS इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए। तो अगर बात करें सर कंपनीज एक्ट, तो एग्जम्पशन दिया जा रहा है सब्सिडरी को, चाहे वो पार्टली ओन सब्सिडी हो, चाहे वो होली ओन सब्सिडी हो, कंडीशन तीन है सर, सारे मेंबर्स को राइटिंग में इंटीमेट किया गया है, किसी मेंबर ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करा है, वो कंपनी लिस्टेड नहीं है, ना आने वाले भविष्य में लिस्ट होने का कोई प्लान है, नॉर इन द प्रोसेस ऑफ बिंग लिस्टेड, नॉर इन द प्रोसेस ऑफ बिंग लिस्टेड। लॉ मेकर ने जो शब्द यूज किया है वो क्या किया है सर, नॉर इन द प्रोसेस ऑफ बिंग लिस्टेड। उसके बाद जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है, इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है, उसने CFS फाइल करा है विद ROC एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद आता है सर पैरा 11 ऑफ AS 11 कि टेम्पररी बेसिस में सब्सिडरी में एक्विजिशन किया गया है, लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन इंपोज किए गए हैं उसके ऑपरेशन में, तब जाकर एग्जम्पशन मिल जाएगा उस कंसोलिडेशन से।
और उसके बाद आता है सर इंड एएस 110 की वो जो रिक्वायरमेंट ऑफ कंसोलिडेशन है वो किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी को नहीं लगेगा। इन्वेस्टमेंट कंपनी को अपने सब्सिडियरी में अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे मेजर करना है सर, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल से मेजर करना है, जो कि इंड एएस 109 कहता है। और एग्जम्पशन पेरेंट कंपनी को एप्लीकेबल होगा कि इन्वेस्टमेंट कंपनी का, तभी एप्लीकेबल होगा अगर पेरेंट कंपनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वरना एप्लीकेबल नहीं होगा। आई बिलीव इट इज वेरी वेरी क्लियर, आई बिलीव इट इज वेरी वेरी क्लियर, क्लियर है। अब एक चीज समझना, जब तुम पेरेंट कंपनी के ऑडिटर हो, जब तुम पेरेंट कंपनी के ऑडिटर हो और जब तुम ऑडिट एक्सेप्ट करोगे उस पेरेंट कंपनी का, तो तुम क्या असेस करोगे? लॉजिकली सोचना, तुम क्या असेस करोगे? क्या करा था अपन ने बेसिक्स क्लास में भी कि ऑडिटर जब भी ऑडिट एक्सेप्ट करता है वो आरओएमएम असेस करता है। आरओएमएम क्या होता है सर? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो वो तो यहां भी असेसमेंट होगा। उसके बाद वो देखता है कि एप्लीकेबल एफआरएफ कौन सा है, तो यहां भी वो क्या देखेगा? एप्लीकेबल एफआरएफ देखेगा। एप्लीकेबल एफआरएफ में कौन कौन सा एफआरएफ है दैट वी ऑलरेडी नो। और तीसरी चीज वो देखेगा मटेरियलिटी ऑफ कंपोनेंट, कि वो कंपोनेंट कितना मटेरियल है, उसके जो कंपोनेंट्स है वो कितने मटेरियल है, उसके जो कंपोनेंट्स है वो कितने मटेरियल है। भाई मैं पेरेंट कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा हूं बट जो कंपोनेंट्स है वो बहुत ज्यादा मटेरियल है एंड उनका ऑडिट मेरे को मिलने ही नहीं वाला, तो इन दैट सिचुएशन आई हैव टू कंसिडर कि मेरे को ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। समझो इस बात को। तो जब भी मैं पेरेंट कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा, मैं ये सारी चीजें देखूंगा, आरओएमएम का असेसमेंट करूंगा, एप्लीकेबल एफआरएफ देखूंगा, ये देखूंगा कि भाई वो जो कॉम्पोनेंट है वो कितना मटेरियल है। ये सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे दोबारा से, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन। अभी के लिए बेस क्लियर कर रहे हैं। तुम ये समझ लो कि अभी तक की बातें क्लियर हो गई तो तुम्हारा 70% ऑफ चैप्टर क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब भी मैं ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा पेरेंट कंपनी का, तो आर ओ एम एम एसेस करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा, एप्लीकेबल एफ आर एफ एसेस करूंगा, मैटरलिटी ऑफ कंपोनेंट। एफ आर एफ क्या है सर? AS 21, AS 23, इंड एएस के अंदर वी हैव सेवरल इंड एएस, इंड एएस के अंदर वी हैव सेवरल इंड एएस, ठीक है जी। तो अब जाके ये सारी बातें आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अपन कहानी को आगे लेके जाएंगे।